रा भी निचोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, हम एनपीएस मुलाजमीन का जज्बा भी नहीं बदला। है शोक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। यहाँ पे मौजूद हमारे एनएमओपीएस के चेयरमैन और इस महफिल के रुई रवा मेरे भाई हिलाल अहमद बाबा साहब, हमारे कश्मीर प्रोविंस के चश्मो चराग और एक मेहनत कश लीडर और यूटी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रफी मलिक साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब, हमारे प्रोविजनल प्रेसिडेंट फारूक अहमद मतू साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, तहसील प्रेसिडेंट्स और यहाँ पे जितने भी सबसे अजीम हमारे एनपीएस एम्प्लॉइज हैं, आप सबको मेरी तरफ से सलाम आदाब और सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट यूनिट बारामूला को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने मुख्तलिफ आदस के बावजूद, मुखालफतों के बावजूद इस अजीम शान जलसे का इनेकार किया। इसके लिए मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं और मैं अपने लीडर मोहम्मद रफीक मलिक साहब से आज ये इनको बताना चाहता हूं कि आपने अपने आप को साबित किया कि आप लीडर ऑफ मासेस हो, आप ट्विटर या फेसबुक लीडर हैं। आज आपने ये साबित किया एंड यू आर द ग्रास रूट लेवल। और आज मैंने आपको पहले भी और आज मैं आपको अपना लीडर जो है वो तस्लीम करता हूं। मेरे दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ये जो एनपीएस है, ये पेंशन के नाम पे एक बहुत बड़ा धोखा है। वो कौन सी स्कीम हुई जिस स्कीम में हमें पता ही नहीं कि हमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो कौन सी स्कीम है जिसमें हमें ये पता ही नहीं है कि हमारी कंट्रीब्यूशन के पैसे वो कहां चले जाते हैं? वो कौन सी स्कीम है जिसमें एक एम्प्लॉई के पास कोई जीपी पड़ता है अकाउंट नहीं? वो कौन सी स्कीम हुई जिसमें जिस पेंशन से आप अपने बेटे और बेटी की शादी नहीं कर सकते? वो कौन सी स्कीम है जिस स्कीम से आप अपने बुढ़ापे में अपने लिए अभी आप भी नहीं खरीद सकते? जरा सोचे मेरे कुलीग्स, आप 5 मिनट जरा सोचे अपने दिमाग। इंसान तो नौकरी इसलिए करता है कि ये नौकरी बुढ़ापे का सहारा होता है। अपने इस जो हमारा जो लक्ष्य है ओपीएस, जब तक ना हम इसको रेस्टोर करेंगे तब तक हम नहीं बैठेंगे। और मेरे दोस्तों, ये जो ओपीएस को बहाल करने का प्लेटफॉर्म है वो एक ही प्लेटफॉर्म, दैट इज नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। इस स्कीम में जितने भी हमारे लीडर्स हैं, मैंने इनको आजमाया। मैं बांडीपोरा में बैठ के मैंने जब भी रफीक साहब को फोन किया, इसने मेरी मदद मांगी। मैं बांडीपोरा तो रह के मैं आपको यहाँ पे, आप पब्लिक में कुछ बातें ऐसी होते हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकते। ये मिशन तरह सुबूत बूथ लाभ उनके, ये मिशन तरह